Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am Pranjali Jain, your computer teacher, and today we are going to start our last chapter of your book, that is chapter number 10, Computer Virus. Okay? Basically in this chapter we will read about that what is viruses, types of viruses, how does a computer gets a virus, इन्फेक्टेड कैसे होता है वायरस से हमारा कंप्यूटर, जो बेसिक चीज़ होती है कि दैट इंट्रोडक्शन जो है वायरस का, कंप्यूटर वायरस का, वो इस चैप्टर में हम रीड करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. वायरस, अ कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम टू रेप्लिकेट इटसेल्फ इन ऑर्डर टू स्प्रेड इटसेल्फ फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर. कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो खुद को रेप्लिकेट करता है. ठीक है, मतलब वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अपने आप क्या होता रहता है, स्प्रेड होता रहता है. जैसे कि आपको आपको पता है आपको जुकाम हो रहा है, किसी एक पर्सन को जुकाम होता है घर पे, तो फिर वो धीरे धीरे सबको होता है. बिकॉज कैसे, क्योंकि उसके वायरसेस क्या होते हैं, एक से दूसरे में क्या होते रहते हैं, स्प्रेड होते रहते हैं, ट्रांसमिट होते रहते हैं. ठीक है, तो कंप्यूटर वायरस भी उसी तरीके से, जैसे हमें वायरसेस से हमें जुकाम होता है, बायोलॉजिकल वायरसेस होते हैं जिसकी वजह से हमें जुकाम होता है, खांसी या हमें फीवर वगैरह होता है, मतलब हम बीमार पड़ जाते हैं, तो उसी तरीके से कंप्यूटर वायरस होता है जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, कंप्यूटर बीमार पड़ जाता है. कंप्यूटर के अंदर वायरसेस होते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं. हमारा कंप्यूटर वर्क करना बंद कर देता है, बिल्कुल वर्किंग उसकी बंद हो जाती है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आते हैं. मतलब वायरस क्या है, कंप्यूटर वायरस क्या है, एक तरीके से एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाता है. जैसे बायोलॉजिकल वायरसेस की वजह से हमारी बॉडी इन्फेक्टेड हो जाती है जिसकी वजह से हमें बुखार वगैरह आता है, जुकाम होता है, उसी तरीके से क्या होता है, हमारा कंप्यूटर वायरसेस की वजह से हमारा कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो जाता है. ओके, इट मीन्स दैट द वायरस कैन कॉपी इटसेल्फ. और ये वायरस क्या करता है, खुद ही ऑटोमेटिकली अपनी अपनी कॉपीज बना लेता है, डिफरेंट अपने से एक ही कंप्यूटर में डिफरेंट डिफरेंट जगह, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे खुद की कॉपीज बना लेता है खुद से. तो वायरस अपने मतलब क्या हो रहा है, ये स्प्रेड होता जा रहा है. ठीक है, तो वो हर एक जगह क्या करेगा, अपने आप को फैला देगा पूरे कंप्यूटर में, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारा कंप्यूटर भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा. ठीक है, कंप्यूटर वायरस बिल्कुल सिमिलर है बायोलॉजिकल वायरसेस की वजह से. ठीक है, मैंने अभी आपको समझाया बायोलॉजिकल वायरस से, मतलब जैसे हम बीमार पड़ते हैं वायरस की वजह से. ठीक है, ऐसे ही हमारा कंप्यूटर वायरस भी होता है जो कंप्यूटर की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उस पर अफेक्ट करता है. ठीक है, इट हैज़ द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ एंड इट मे और मे नॉट डैमेज द डेटा और अदर प्रोग्राम्स. वायरसेस पे देखो ये क्या करता है, खुद को रिप्रोड्यूस करता रहता है, मतलब खुद को खुद से ही फैलाता रहता है पूरे कंप्यूटर में. इससे डेटा का डैमेज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये आपके वायरस पे डिपेंड करेगा कि आपका वायरस कैसा है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है या नॉर्मल है. तो वायरसेस कैन क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर्स. वायरस किस कौन क्रिएट करता है, ये जो हमारे प्रोग्रामर्स होते हैं वही इसको क्रिएट करते हैं. क्यों, ताकि आपकी जो मेमोरी है वो हार्म हो, आपकी जो प्रोसेसिंग की स्पीड है वो लो हो जाती है, आपका जो एसेंशियल डेटा है या प्रोग्राम्स हैं वो सब क्या होते हैं, इन सब पे भी इफेक्ट होता है इसका. इट एंटर्स अ कंप्यूटर विदाउट द परमिशन. ये क्या करता है वायरस, एक तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके कंप्यूटर में कब, एक तो बिना परमिशन के ही आते हैं. ठीक है, वो आपसे परमिशन नहीं मांगते हैं वायरस आपके कंप्यूटर में एंटर होने के लिए, और ना ही आपको पता चलेगा कि आपके कंप्यूटर में वायरस है. ओके, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वायरसेस. ट्रेडिशनल कंप्यूटर वायरसेस एमर्ज एंड, सबसे पहला मतलब जो पुराना कंप्यूटर वायरस था वो किसने कब एमर्ज हुआ था, 1980 में, 1982 में एक रिच स्कैंटर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक वायरस बनाया था, उसका नाम था एल क्लोनर. ठीक है, ये द फर्स्ट पीसी वायरस वाज अ बूट सेक्टर वायरस कॉल्ड सी ब्रेन. सबसे पहला पीसी वायरस जो बनाया गया था वो एक बूट सेक्टर वायरस जिसको सी ब्रेन भी बोला जाता है. इसको ये क्रिएट किया था टू ब्रदर्स ने क्रिएट किया था, बेसेट एंड AFLV 1986 में. द ब्रदर्स क्रिएटेड द वायरस टू डिटेक्ट पायरेटेड कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर दे हैड रिटर्न. इन लोगों ने ये वायरस क्यों क्रिएट किया था, ताकि इन लोगों ने जो सॉफ्टवेयर जो रिटर्न किया उसकी कॉपीज बनाने के लिए. सिंस द मिड 1990s और भी बहुत माइक्रो वायरसेस हैव बिकम कॉमन. 1990s में जो माइक्रो वायरसेस हैं बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए. मोस्ट ऑफ दीज वायरसेस आर रिटन इन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस फॉर माइक्रोसॉफ्ट. ये
वायरसेस मोस्टली क्या होते थे, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में लिखे जाते थे, ठीक है, फॉर कौन से माइक्रोसॉफ्ट जो प्रोग्राम्स होते हैं हमारे, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एनकेलियन, ठीक है। ये मोस्टली जो माइक्रोवायरसेस होते थे ये किस में स्प्रेड होते हैं, मोस्टली आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है, जैसे कि आपका एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल, उसमें स्प्रेड होते हैं। नॉट टाइप ऑफ वायरसेस, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस होते हैं, सो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत सारे दे आर मेनी डिफरेंट ऑफ वायरसेस और डिफरेंट पीपल में डिस्क्राइब दैम इन डिफरेंट वेज। बहुत सारे वायरसेस हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने बनाया और उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको बनाया गया है। क्या क्या हैं, कंप्यूटर वायरस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फाइल्स दे इन्फेक्ट। इसको किस बेसिस पे बना, इनके टाइप डिवाइड किए हुए हैं, बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फाइल्स, मतलब आपकी फाइल को किस तरीके से वो इन्फेक्ट करता है, उस बेसिस पे इनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, टाइप में इसकी बना क्लासिफाइड किया गया है। प्रोग्राम वायरसेस, बूट वायरसेस, मैक्रो वायरसेस, बॉम्ब्स, ईमेल वायरसेस, बूट सेक्टर वायरसेस, ट्रोजन्स एंड बॉम्ब्स, ये कुछ आपके कुछ जो वायरसेस हैं ये आपकी कॉपी की बुक में दे रखे हैं। प्रोग्राम वायरसेस ये क्या करते हैं, आपकी जो प्रोग्राम्स होती हैं जिनके एक्सटेंशन होते हैं .com, .se, मुझे कुछ एक्सटेंशन दे रखे हैं, इन टाइप की जो फाइल्स होती हैं उनको इन्फेक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, जब आप कोई भी फाइल को एग्जीक्यूट कर रहे हो तब उस टाइम पे क्या होता है, मेमोरी में लोडेड हो जाते हैं, ठीक है। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, संडे, कैस्केड, एसिड रेन, ये सब प्रोग्राम वायरसेस के एग्जांपल हैं। बूट वायरस, दीज वायरसेस इनफैक्ट द बूट सेक्टर विच आर सिस्टम एरियाज ऑफ हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। ये वायरस है जो कि बूट सेक्टर, मतलब आपकी जो फ्लॉपी डिस्क होती है, आपके हार्ड डिस्क होती है आपके सिस्टम के, उस एरिया को इन्फेक्ट करते हैं। सच वायरसेस रिप्लेस द बूट सेक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बूटिंग द, मतलब आपके आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मेमोरी होती है उसको इन्फेक्ट करता है ये डायरेक्टली, ठीक है। दे कॉपी द बूट सेक्टर एल्सवेयर, कहीं पे भी अपना जो बूट सेक्टर होता है जिसकी वजह से हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है लोड होती है या फिर जो हमारा कंप्यूटर चलता है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको इफेक्ट करता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि डिस्क पिलर, स्टोन वायरसेस एक्सेट्रा। मैक्रो वायरसेस ये क्या करते हैं, हमारी जो डेटा वाली फाइल्स होती हैं उनको इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। ये और ये क्या करते हैं, ये नेटवर्क के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू क्या हो जाते हैं, बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। हम जैसे अगर कोई फाइल है हम उसको नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हम लोग उसको शेयर करते हैं तो ये फ्रिक्वेंटली क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है, बहुत जल्दी से स्प्रेड हो जाती है। बॉम्ब्स, दीज आर द वायरसेस विच एक्टिव देमसेल्व्स आफ्टर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। इनका ये क्या करते हैं, अपने आप को कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए एक्टिवेट करते हैं और पूरे कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर देते हैं। ईमेल वायरसेस, ये ऐसे वायरसेस हैं जो ईमेल्स के, हम जो एक ईमेल्स भेजते हैं दूसरे को उसके थ्रू ये ट्रांसमिट होते हैं। हम जैसे ईमेल्स में फाइल्स अटैचमेंट्स वगैरह जो भेजते हैं तो जब क्या होता है, फाइल अटैचमेंट्स के थ्रू ये क्या होती हैं, वायरसेस स्प्रेड होते हैं, एक दूसरे से ट्रांसमिट होते हैं। बूट सेक्टर वायरस, बूट सेक्टर वायरस वही ये पहले जैसा ही है, जो बूट वायरस है ये उसी की तरह है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। ये क्या करता है, जिस एरिया पे होता है ये उस एरिया को, जैसे अगर हार्ड डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में, तो उस एरिया को पूरा ही अफेक्ट कर देगा, उसको पूरा डैमेज कर देगा। ट्रोजन्स, दीज वायरसेस एट फर्स्ट अपीयर टू बी फ्रेंडली बट दे आर वेरी मैलिशियस प्रोग्राम विच आर यूज टू स्टील इन्फॉर्मेशन। ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, ठीक है, ये पहले तो आपको बहुत फ्रेंडली दिखेंगे लेकिन क्या करते हैं, बाद में जाके ये प्रोग्राम्स को आपकी जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है, कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन वगैरह जो होती हैं, मेन इन्फॉर्मेशन, उनको स्टील कर लेता है, उनको चुरा लेता है, दूसरों को, दूसरे किसी पर्सन को ट्रांसमिट कर देता है। ये कोई से भी टाइप के होते हैं, इवन ये कंप्यूटर गेम्स भी हो सकते हैं, आपके कंप्यूटर गेम्स की हेल्प से भी ऐसा हो सकता है, जिन्हें तो कि ये कौन से होते हैं, ट्रोजन वायरस। वॉर्म्स, वॉर्म इज अ मैलिशियस प्रोग्राम दैट डुप्लीकेट्स इटसेल्फ, दे इवेंचुअली फिल अप द डिस्क स्पेस विद कॉपीज। ये क्या करेंगे, आपकी डिस्क जितनी भी स्पेस होगी उसको भरते रहेंगे, क्योंकि ये एक कॉपी की, एक फाइल की कॉपी पे कॉपी बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो मेमोरी हुई कंप्यूटर की वो क्या होती रहती है, फुल होती रहती है, और इस मेमोरी फुल होने से क्या होता है, हमारा जो कंप्यूटर होता है वो वर्क करना स्लो हो जाता है। हाउ डज द कंप्यूटर गेट अ वायरस, कंप्यूटर जो कंप्यूटर के अंदर वायरस आता कैसे है, कैसे आता है, आप जैसे इंटरनेट पे
आप चैट, आपके जो चैट सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, जैसे जिसमें हम चैट करते हो, इन सॉफ्टवेयर के थ्रू आ जाता है, मैसेजिंग वगैरह के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू आता है, हम सीडी पेन ड्राइव्स यूज़ करते हैं जब अटैच करते हैं कंप्यूटर से उनके थ्रू, या फिर हम जैसे आप प्रोग्राम्स अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं नेटवर्क के थ्रू इधर से उधर, तो ये कुछ तरीके हैं फॉलोइंग, मतलब मींस हैं, ये कुछ फॉलोइंग मींस हैं जिनके थ्रू क्या होते हैं, हमारा वायरस स्प्रेड होता है एक कंप्यूटर, मतलब हमारे कंप्यूटर के अंदर कैसे वायरस आता है, वायरस के सिम्टम्स क्या हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कंप्यूटर में वायरस है, उसके कुछ सिम्टम्स हैं जिसके थ्रू आपको पता लगने लग जाता है कि आपके कंप्यूटर में कैसे वायरस है या नहीं। एक तो आपकी जो कंप्यूटर की स्पीड होगी वो डिक्रीज होने लगेगी, कुछ कुछ स्ट्रेन से मूवमेंट्स या पैटर्न्स अपीयर होने लगेंगे आपकी स्क्रीन पे, मतलब चलते चलते स्क्रीन बंद हो जाएगी या और कुछ उसमें पैटर्न्स वगैरह मूवमेंट्स होने लगेंगे अपने आप में, या फिर कभी कभी आपके अनयूजुअल मैसेजेस भी आते रहते हैं कि योर पीसी इज इन्फेक्टेड, ठीक है। फाइल की जो साइज़ होती है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने लग जाती हैं, और आपकी जो डिस्क स्पेस है वो क्या होती है, वो इंक्रीज़ होने लग जाती है, मतलब डिस्क स्पेस की मेमोरी वो अपने आप ही इंक्रीज़ होने लग जाती है, ठीक है। और सिस्टम आपका, या फिर सिस्टम आपका कभी कभी बहुत ज़्यादा हैंग हो जाता है, चलते चलते हैंग हो जाता है, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि हमारा कंप्यूटर जो है वो वायरस से इन्फेक्टेड है। हार्म कॉज बाय वायरसेस, हार्म क्या क्या हार्मफुल, मतलब क्या क्या हार्म, कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा, मतलब क्या हार्म कॉजेस बाय कंप्यूटर वायरसेस, क्या क्या हार्म हमारे वायरसेस की वजह से कंप्यूटर को पड़ता है। वेरी फ्यू वायरसेस आर हार्मलेस, बहुत ही ऐसे कम वायरसेस होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो हार्मलेस होते हैं, बाकी लेकिन जितने भी वायरसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, बहुत ही थोड़े से होंगे जो हार्मफुल नहीं होते, मतलब हार्मफुल तो वो भी होते हैं लेकिन लेस हार्मफुल होते हैं, क्योंकि दे डिस्प्ले अ सिंपल मैसेजेस, वो सिंपल मैसेजेस हमको बताते रहते हैं कि योर पीसी इज इन्फेक्टेड, योर पीसी इज इन्फेक्टेड मोस्ट ऑफ द वायरसेस, लेकिन कुछ कुछ जो होते हैं वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, वो क्या करते हैं आपकी जो डिस्क स्पेस होती है उसकी, इस कंप्यूटर की, वो उसको फिलअप करते रहते हैं, ठीक है, उसकी मेमोरी को फिलअप करते रहते हैं जब तक कि वो पूरी तरीके से फिलअप ना हो जाए, ठीक है। कैसे, अपने आप की कॉपी बनाते हैं, मतलब अपने प्रोफाइल्स या प्रोग्राम्स की उसकी कॉपी, इटसेल्फ कॉपी बनाते रहते हैं, दे कैन मॉडिफाइड और करप्ट, बहुत ये क्या करते हैं अपने आप ही फाइल्स होती हैं उनको मॉडिफाई करते रहते हैं, उनको करप्ट करते रहते हैं, उनको ख़राब करते रहते हैं, और उनको बहुत ऐसा होता है कि आपकी जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं उस पर कभी कभी वो भी पूरी क्या हो जाती है, करप्ट हो जाती है, फाइल्स में से कुछ इन्फॉर्मेशन डिलीट कर देते हैं, आपका अकाउंट स्टील कर लेते हैं, अकाउंट या पासवर्ड जो होता है आपका, ठीक है, वो स्टील कर लेते हैं, वो चुरा लेते हैं, और फिर किसी पीपल को, किसी और दूसरे को इंटरनेट के थ्रू सेंड कर देते हैं। तो ये कुछ कॉज्ड हैं जिसकी, ये हार्मफुल कॉज्ड हैं जो वायरसेस की वजह से होते हैं। हाउ टू प्रिवेंट अ वायरस, आप अपने वायरस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, मतलब सॉरी, आप अपने कंप्यूटर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो वायरस से, उसके सिंपल प्रिकॉशंस होते हैं कि आप जब भी किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, मतलब आप CD, DVD या फिर पेन ड्राइव को अटैच करें, तो उसको सबसे पहले क्या करें, बिफोर यूजिंग दैम और कॉपी पर उसको स्कैन करें, ठीक है, उसको हमेशा आपके कंप्यूटर में एंटर करो, उसको आप जैसे ही आप उसको अटैच करोगे तो उसको क्या करो, स्कैन करो, ठीक है, और मेक श्योर जो आपके पीसी में एंटीवायरस डला हुआ है वो लेटेस्ट वर्जन हो, किसी भी एंटीवायरस नेवर इंस्टॉल पीरेटेड, मतलब पुराना जो जो यूज़फुल नहीं है उस एंटीवायरस को कभी भी इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। आप अपने हार्ड डिस्क को भी स्कैन करते रहें मंथ में 2 बार, ठीक है, 2 से 3 बार, हमेशा अपनी जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उनका बैकअप रखिए, ओपन ईमेल अटैचमेंट, और कोई भी अगर आपके ईमेल अटैचमेंट आता है तो सबसे पहले उसको स्कैन करिए, उसके बाद ही उसको ओपन करिए, ठीक है, और अगर आपके कंप्यूटर में कभी भी चेंजेस आते रहें तो उसको देखते रहिए, बी अवेयर, ठीक है, ऑफ एनी चेंजेस इन द सिस्टम। एंटीवायरसेस, एंटीवायरसेस क्या होता है, एंटीवायरसेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको वायरस से क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, या तो आपके वायरसेस को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, वायरस से प्रिवेंट करता है, उसको डिटेक्ट कर लेता है और उसको इनफैक्ट रिमूव भी कर देता है, तो ये काम होता है हमारा एंटीवायरस का, ठीक है। इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू कंप्यूटर वायरसेस, कंप्यूटर वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पायवेयर एंड एडवर, लेकिन कुछ कुछ जब भी ऐसे वायरसेस होते हैं जो अगर एक बार कंप्यूटर में आ जाते हैं तो वो एंटीवायरस से भी क्या होते हैं, डिटेक्ट नहीं हो पाते, आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं, ना रिमूव हो पाते हैं। These programs are especially
दीज प्रोग्राम्स या एंटीवायरसेस ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको क्यों बनाया गया, आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया गया है, वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए और उनको रिमूव करने के लिए। ठीक है, इट परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। ये क्या टास्क परफॉर्म करते हैं कि आप एंटीवायरस, ये कि जैसे ही आप कोई सेकेंडरी स्टोरेज जो भी आपकी या फिर फाइल स्टोर वगैरह आप अटैच करते हो आपके कंप्यूटर से, तो उसको क्या करता है, ये स्कैन कर लेता है। ठीक है, वो इनफैक्ट अगर आपकी कोई वायरस होगा तो उसको दिखा भी देगा, आइडेंटिफाई कर देगा, आपके सामने बता देगा कि दैट ये वहाँ पे पूरी वायरसेस की लिस्ट बता देगा कि ये है, और उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। वर्किंग ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्ट वायरस प्रोग्राम रिसाइड इन द कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, आपकी कंप्यूटर मेमोरी में होता है। व्हेनेवर द कंप्यूटर इज स्विच ऑन, जब भी आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करोगे तो आपका एंटीवायरस प्रोग्राम ऑटोमेटिकली वर्क करना स्टार्ट कर देगा। इफ एनी फाइल इज इंफेक्टेड, अगर कोई भी फाइल उसे इंफेक्टेड दिखती है तो ये क्या करेगा, उसे क्लीन करेगा और उस बिल्कुल उसको इंफेक्टेड उसको उस आइसोलेटेड सो दैट अदर फाइल्स आर नॉट इंफेक्टेड, मतलब उसको क्लीन कर देगा, उसको स्कैन कर देगा ताकि जो और फाइल्स हैं वो क्या हो, वो इंफेक्टेड ना हो। सिंस न्यू वायरस प्रोग्राम्स आर रिटर्न, वायरस प्रोग्राम्स तो ऑलमोस्ट हर एक दिन लिखे जाते हैं, बनाए जाते हैं, एंटीवायरस ऑल्सो नीड टू बी अपडेटेड। इसलिए क्या होता है, वायरसेस क्या है, दिन पे दिन बढ़ता ही रहता है, वो कम नहीं होते हैं, इसलिए लेटेस्ट वर्जन हमें सॉफ्टवेयर का, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट वर्जन हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके इसमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे कि क्विक हेल है, AVG एंटीवायरस है, नॉर्टन एंटीवायरस है, मैकएफी, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एंटीवायरसेस के जो आपके इसमें दे रखे हैं। एंटीवायरस को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, एंटीवायरस आप कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल इसमें दे रखा है क्विक हेल एंटीवायरस है, ये आपको आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है तो आप इसको कैसे करेंगे। स्टार्टिंग क्विक हेल एंटीवायरस, ये आपके क्विक हेल एंटीवायरस ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड है तो आप इसको कैसे यूज़ करोगे। टू स्टार्ट क्विक हेल एंटीवायरस फॉलो कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, आपको स्टार्ट बटन पे जाना है, स्टार्ट बटन हमें पता है कहाँ होता है, टास्क बार में होता है, ग्रीन कलर का बटन, देन आप उसको ओपन करेंगे, आप उसको क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू अपीयर होगा, उस पर आपको प्रोग्राम्स में जाना है, देन अगेन वन में एक मेन्यू अपीयर होगा, उस पर आपको क्लिक क्विक हेल टोटल सिक्योरिटी करके आपके पास एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या होगा, आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, कहे कि द नॉर्टन एंटीवायरस विंडोज अपीयर। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें अगर अपना कंप्यूटर को स्कैन करना है तो उस पर हमें क्या करना होगा, उस पर रन फुल सिस्टम स्कैन ऑप्शन, ठीक है, वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रन फुल सिस्टम स्कैन, उस पर हमें सिर्फ क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, आपका जो पूरा जो कंप्यूटर होगा वो क्या हो जाएगा, स्कैन हो जाएगा, जिसके अगर कोई भी वायरसेस होंगे, ठीक है, वो इनफैक्ट जो आप कंप्यूटर के इनफैक्ट कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, आपका कंप्यूटर बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो चुका है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।